खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का बड़ा एक्शन, रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कार्य रुकने के निर्देश। लोकचंद न्यूज संवाद तथा एम सलीम खान की रिपोर्ट। विधायक शिव अरोरा एक्शन में आ गए हैं, मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल रुद्रपुर रोडवेज का निर्माण कार्य चल रहा है, वही संबंधित ठेकेदार ने बिना तकनीकी विभाग के रोडवेज परिसर में निर्णय कार्य शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ठीक रोडवेज बस स्टैंड के पीछे दरिया नगर कॉलोनी में बने मकानों में दरारें पड़ गई, जिसके कारण बहुत से मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले विधायक शिव अरोरा ने बड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने सुरक्षा हेतु सर्वे नहीं किए जाने तक निर्माण कार्य बंद के भी निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। उन्होंने संबंधित चौकी प्रभारी को इस मामले मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद दरिया नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। और यह है, ये हमारी नींव है ना पूरी, ये व्हाइट वाली हमारी है। हाँ, व्हाइट वाली। और ये वर्कशॉप येलो कार्यशाला की है। आप देख, थोड़ी मकान बनवा था भाई विधायक जी, एक कमरा इधर कमरे में। मैं तो मुकदमा करूंगा, मैं किसी के नुकसान तो सर है। जब तक ये तुम्हारा मकान ठीक नहीं करा दो, थोड़ा काम नहीं करने दूंगा। ठीक है, मानवता तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, कद्दू की मानवता। मानवता तो तुम्हारे कपूर की भी देख ली, तुम्हारी भी देख ली मैंने। पानी जाता है, तुम काम तो करो, बंद करो काम वहाँ पे अपना। ये सारे इंटेंशनली सारी चीजें क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। इन पर मुकदमा करके कार्रवाई करो, बंद करो इन सबको। कार्रवाई नहीं होती, काम बंद कर दो। काम कुछ और क्या कर रहे हो तुम, कुछ और क्या होती है। रात को गिरते हैं सारे, मरते हैं यहाँ पर। जिस तरह से तुमने रेता डाली इसके ऊपर, जिस तरह से पानी तुम डाल रहे हो सारा, ये गड्ढे तुमने किए जानबूझ के। कहाँ उसे बात करो, जरा कपूर से फोन मिलाओ। कहाँ हो? अरे हाल तो छोड़ो, तुमने हाल क्या बना रखा है हमारे शहर में। अरे प्रोडक्शन ये गिरा तो तुम्हारे चक्कर में है, प्रोडक्शन तुम्हारे क्या करेंगे। बात बताओ, बगल वाला मकान कौन गिरा? तुम कहानी बढ़ा रहे हो मुझे, तुम तो बिल्डर हो। बगल वाला मकान कौन गिरा जिसमें तुमने 20 मिनट का काम किया, रेता डाला, जब पानी जा रहा वही क्यों गिर गए? ऐसे ऐसे घर गिर जाते हैं क्या? क्या क्रिमिनल एक्ट वाले जो मकान है पहले से, ये एक साल पहले भी यहाँ पर एक कंप्लेंट शिकायत आई थी। उस समय यहाँ पर खुदाई के काम चल रहे थे और उस समय तत्कालीन जो SDM है प्रत्युष सिंह, मैं स्वयं मौके पर आया था। ये काम करने का तरीका स्पष्ट रूप से बता रहा था कि इसके कारण से बगल की जो बिल्डिंग है उन्हें नुकसान होगा। और ये जो मकान जिसका नुकसान हुआ, इनके पास कोर्ट का 22 अप्रैल का स्टे भी है कि किसी भी तरीके का कोई उन्हें नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने स्टे भी कर रखा, लेकिन एक साल पहले मना करने के बावजूद जिस तरीके से इन्होंने अपना काम किया है, यहाँ इन्होंने बेसमेंट खोद दिया है, नीचे पानी भरा पड़ा है, ये दीवार इन्होंने रेता दीवार पर गिरा दिया है, इस कारण से जो पीछे रहने वाला मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। परसों सुबह 6 बजे वो मकान गिरा है। परिवार के अंदर बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, बहुत